यस स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट लॉजिकल रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। क्वेश्चंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा जिससे कि आप क्वेश्चंस इजीली हैंडल कर पाएं। और एक चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि रीजनिंग का पूरा बेस है लॉजिक। अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है तो नंबर वन कभी कभी डायरेक्शन के हिसाब से बिठाया जाता है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कभी आपको बोला जाएगा टू वर्ड स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन या राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। तो इसको कभी भी करें तो एक पर्सन आप अपने आप को मान लें और फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली बनेंगे। तो आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें मैं आपको क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। पहले ट्राई करिए कि आपसे हो। पिछले पजल टेस्ट में आप में से कई लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि सर हमसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए, यही खुशी की बात है। मैं चाहूँगा कि आप यही करें। तो पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व आपसे हो जाए, देन उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए, उसके पहले मत करिएगा। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, आप अच्छे से समझते हो चलिए। इसमें कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़नी होती, जो रिलेटेड थ्योरी है मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलूँगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम वन देखें तो क्वेश्चन नंबर वन में बोला फाइव फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ठीक है, फाइव फ्रेंड सिटिंग ऑन अ फ्रेंड ऐसा बोला है। तो ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव, याद रखिएगा कभी भी राइट लेफ्ट बोले तो अपने आप को मानो आप। तो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। अब क्या क्या बोला गया क्वेश्चन को सुनते चलिएगा। पहले बोला गया ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ ना रखने की जगह कहीं और भी रख लें, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। मान लो बी है तो ए जो है वो बी के लेफ्ट में, तो यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ए इज अ लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, बट राइट ऑफ सी तो सी के राइट में है। ओके, अब इसके बाद बोला गया है, देखिए फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइव फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो बी के राइट पर है, यानी बी ये है, मैं बी हूँ तो मेरे राइट पर डी है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई पर लेफ्ट ऑफ ई है। तो ये पूरा अरेंजमेंट मिल गया, यानी फर्स्ट पोजीशन पे सी है, सेकंड पोजीशन पे ए है, फिर बी है, फिर डी है। बेसिक से एडवांस लेवल पे ही जाना है, यानी अब आपका कंसेप्ट देखिए कितने इजीली बना सकते हैं। ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए। एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए, मेन डाइग्राम पे लेने से पहले आप अलग से भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन को रीड जब टू थ्री टाइम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन ये बोला गया, फाइव फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए अपने आप को मान लीजिए, जैसे मैं अपने आप को खड़ू, ए क्या बोला, देखिए ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी ये बैठा है तो बी का लेफ्ट ये हुआ और राइट ये हुआ, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट ऑफ बी बट राइट ऑफ सी, राइट। डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी जो है वो बी के राइट में है एंड लेफ्ट ऑफ ई। अब पूछा है हु आर टू द एक्सट्रीम, सबसे एंड में कौन से होंगे, यानी एंडिंग पोजीशन पे कौन से होंगे। तो देखिए ऑप्शन, जैसे अब आपको तो दिख ही रहा है सी एंड ई इज अ राइट आंसर। एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन कौन लोग हैं, सी और ई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी दिल्ली। बाकी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर जरा भी आपने इधर उधर कर दिया तो सब आंसर रॉन्ग हो जाते हैं, तो केयरफुल होके करिएगा, बनता चलेगा, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। यस, क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है। इन अ कॉलेज पार्टी फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। अभी ये लाइन से रो डायरेक्शन इस तरीके के करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इन अ कॉलेज पार्टी फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, फाइव गर्ल्स हैं और उनके कुछ नाम दिए हैं, वो देख लेते हैं। फाइव गर्ल्स सिटिंग इन अ रो, पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एम। सबसे पहले याद रखिएगा, ये हमने फिर बनाया, दिस इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन करिएगा, P is to the left of M. P जो है वो M के left में है, P is a left of M. याद रखिएगा, आप अपने आप को M मानो तो मेरा right ये है, left ये, तो left पर है। P is a left, is to the left of M and is to the right of O, and right of O. R is sitting to the right of N. R is sitting to the right of M. But on the left of O. ठीक है, तो ये आ गया आपका R, ये आ गया N, तो हो गए पांच फ्रेंड N R O
पी एम। देखिए कितने इजीली क्वेश्चन बन रहे हैं, जिन क्वेश्चंस में आप हमेशा बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आता है, पर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप अगर पॉजिटिव माइंड से करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको बनेगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, तो ऑब्वियसली मिडिल में ओ है, तो डायरेक्टली जिस ऑप्शन में ओ दिया वो करेक्ट, तो इसमें ए में दिया है तो ए इज अ राइट आंसर, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला, फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है, डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, डी जो है वो ई के राइट में, ई है तो ये देखिए राइट हो गया। और क्या होता है, एक ही वैरायटी के अगर आप 5, 6, 10 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं एक जैसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ कि पहले 1 to 5, 1 to 10 एक जैसे क्वेश्चन हो, फिर अलग क्वेश्चन हो, लेवल अलग अलग धीरे धीरे बढ़ाओ, तो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तो आप क्वेश्चन को देख के लिखने लगते हो, और उसका एडवांटेज ये होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको टाइम कम लगता है। अब जैसे देखिए इसमें बोला फाइव बॉयज ए बी सी डी ई, अब पिछले 2 क्वेश्चन ऐसे थे, आप इजीली कर लेंगे, आर स्टैंडिंग इन अ रो, डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, ओके, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए, ये हो गया, ठीक है, डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी इज अ लेफ्ट ऑफ सी, तो एक मिनट, यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया बिल्कुल ठीक है, क्या बोला है, डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज द स्टैंडिंग ऑन एक्सट्रीम राइट, हु इज द स्टैंडिंग ऑन इन द, हु इज, ठीक है एक्सट्रीम राइट बोला है वो भी सही है, सी देखिए डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, यानी सी जो है वो राइट के एंड पर है ये बोला गया, तो ये अरेंज भी हो गया आपका इजीली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ए, ये बी, ये ई, ये डी, ये सी। अब पूछा है हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है, तो ऑब्वियसली मिडिल में ई है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पर मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलूंगा, उसका एडवांटेज ये होगा कि आप धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करते जाएंगे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप सिटिंग अरेंजमेंट के टफ से टफ क्वेश्चन कर लेंगे। एक्चुअल में होता ये कि हम डायरेक्ट टफ स्टार्ट करते हैं, इसलिए ना टफ बनते ना इजी, सिंपल से टफ पर जाओगे तो आपकी कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ को देखें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है फाइव बॉयज ए बी सी डी एंड ई सिटिंग इन अ रो, ए इज राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में, देखिए अब आप एकदम बना सकते हैं, ए इज राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट पर है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से सेकेंड पूछा, ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से सेकेंड पर्सन कौन है, ऑब्वियसली ई, तो ई इज अ राइट आंसर, राइट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, देखिए फिफ्थ ने क्या बोला है, देर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, अब यहाँ पर फ्रेंड की जगह हाउसेस कर दिया और कोई चेंज नहीं है, यही थोड़े थोड़े डेटा में चेंज करते हुए चलते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई बहुत चेंजेस कभी भी नहीं आते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला देयर आर 5 डिफरेंटेड हाउसेस ए टू ई, देन अगेन वही ए टू ई, ये 5 हाउसेज हैं, अब फ्रेंड की जगह हम हाउस बोल रहे हैं, आप इसको फ्रेंड भी बोल देंगे तो चलेगा, इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, ए इज अ राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब यहां पर हो गया, देखिए क्या हो गया, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है ई एंड राइट ऑफ ए, ये भी हो गया, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है, तो ये 5 हाउसेस की लोकेशंस आ गई। Which is house of the middle? कौन सा house middle में है, तो middle में कौन सा house है, A, तो A is a right answer, right? Note down this question. चलिए next question की बात करते हैं, देखिए question number 6, अब इसमें क्या बोला, 5 friend
क्वेश्चन उसी तरह का पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. फेसिंग नॉर्थ मतलब आपको मैंने अभी बोला, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना है. तो नॉर्थ मतलब अप बैठ रहे हैं. अब आप अपने आप को ऐसा रख के देखिए, वैसे अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी ढंग से कर रहे थे. फेसिंग नॉर्थ, फाइव फ्रेंड पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू. एस जो है वो बिटवीन टी एंड क्यू है, पहले अलग से बना लेता हूँ. एस इज बिटवीन टी एंड क्यू एंड क्यू इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आर. क्यू जो है वो इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आर हो गया, ठीक है. पी इज टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ टी. पी इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ टी. हु इज द मिडिल. तो देखिए ये हो गया पी टी एस क्यू आर. ये एक सिंपल सा लॉजिक बन गया. अब मिडिल में पूछा है कौन होगा, तो मिडिल में कौन है, एस. तो एस इज अ राइट आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी आंसर हुआ ए. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की. अभी तक फाइव फ्रेंड की बात कर रहे थे, इसमें सिक्स फ्रेंड दिए हैं, सिक्स चिल्ड्रन दिए हैं, तो सिक्स चाइल्ड दिए हुए हैं. तो देखिए क्या है, सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ. क्वेश्चन नंबर सेवन है ये. सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ. इसमें मैंने सारी टाइप्स कवर करी हैं, काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये. तो ये सारे क्वेश्चन अगर हमने कवर कर लिए तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. तो देखिए क्या है, सिक्स फ्रेंड सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो. सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो. बी इज बिटवीन एफ एंड डी. ठीक है, बी जो है वो एफ एंड डी में है. ये सिक्स की बात कर रहे हैं, पहले ऐसा बना लो लव. बी इज बिटवीन एफ एंड डी. ई इज बिटवीन ए एंड सी. ई इज बिटवीन ए एंड सी. ठीक है, ये रब बनाया हुआ हमने, इसमें किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, राइट. ई इज बिटवीन ए एंड सी. ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी. ए जो है वो ना तो एफ के साथ है ना डी के साथ है. इसका मतलब ऐसा होना चाहिए ए ई सी फिर एफ फिर बी और फिर डी. तो ए की प्रॉब्लम खत्म हो गई. ए में जो बोला है A does not stand next to either F or D. ना तो वो F के पास है ना वो D के पास है. ठीक है, F और D. C does not stand next to D. C भी D के पास नहीं है, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई. ठीक है, C does not stand next to D. F is between which of the following pair of children. F किसके बीच में होगा, ये आपसे पूछा गया है, राइट. तो F किसके बीच में होगा, तो देखिए F है C और B के बीच में, राइट. C एंड B के बीच में या B एंड C के बीच में, एक ही बात है. तो इसका आंसर है B एंड C, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, चलिए क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी डिफरेंट था, धीरे धीरे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे. देयर आर एट बुक्स. एट बुक्स की बात कर रहे हैं, केप्ट वन ओवर द अदर. एक के ऊपर आप एट बुक्स को रख रहे हैं, वन बाय वन बुक्स को अरेंज कर रहे हैं. टू बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. जो टू बुक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हैं, ओके. टू बुक्स ऑन टी क्यू एम. टू बुक्स हैं जो टी क्यू एम की हैं, ओके. थ्री बुक्स इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. थ्री बुक्स जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हैं. थ्री बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वन बुक इज इकोनॉमिक्स, ओके. वन बुक्स इज इकोनॉमिक्स काउंटिंग फ्रॉम द टॉप. अब आपके पास टोटल एट बुक है तो काउंटिंग हमें टॉप से करनी है. टॉप से करनी है मतलब ये फर्स्ट कहलाएगी, फिर फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेवन्थ प्लेस और एट प्लेस. कभी कभी हम नीचे से बॉटम से करते हैं तो वन टू थ्री एट तो क्वेश्चन में मेंशन होगा ही, नहीं होगा तो हम बॉटम से जाएंगे. याद रखिएगा, हम ऐसे ही गिनते हैं ना, वन टू थ्री फोर, तो ये याद रखिएगा. तो यहाँ पर इनफैक्ट क्वेश्चन में पर बोला गया है काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक्स. द सेकेंड फिफ्थ एंड सिक्स बुक्स इज इंडस्ट्रियल रिलेशन. सेकेंड बुक भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, फिफ्थ बुक्स भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की है और सिक्स बुक्स भी
इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्री, सिक्स बुक्स आर इंडस्ट्रियल रिलेशन, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टू बुक्स ऑन टी क्यू एम, ओके, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन टू टू क्यू एम, तो टू इंडस्ट्रियल रिलेशन की टू बुक्स ये, इसके बीच में टी क्यू एम की दो बुक्स हैं बिटवीन, ये बोला गया है। देखिए बोला है टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर, टू बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टी क्यू एम, तो जो दो बुक एक साथ हैं टी क्यू एम की, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, उन बुक इसके बीच में टी क्यू एम के, ओके। वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ओके। वन बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज, यही बची है, वो किनके बीच में है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में है, तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ गया, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ गया। अब बची आपके पास एक बुक, वो होगी इकोनॉमिक्स की, जो बॉटम पे है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हैं, एक बार सही डायग्राम बन गया आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर पर देखें तो पूछा क्या है वो देखते हैं, विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, कौन सी बुक टॉप से लास्ट है, तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स। अब इनमें क्या होता है, कई बार इसमें 1-4 क्वेश्चन भी लिखा जाता है, कई बार 2-3, तो मैंने सिंगल सिंगल करके लिए। आपसे पूछ सकते हैं थर्ड बुक कौन सी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। आपसे पूछ सकते हैं कि बॉटम से थर्ड बुक कौन सी होगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। टॉप से थर्ड बुक कौन सी होगी या फोर्थ बुक कौन सी होगी, इस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे और आप इसको कर सकते हैं, राइट, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें 5 फ्रेंड दिए हैं, पर 5 फ्रेंड को ए बी सी डी ई ना बोल के कुछ नाम दे दिए, बस ये कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कभी अल्फाबेट यूज करता है, कभी कभी नाम, जैसे 5 बॉयज स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। फेसिंग ईस्ट का मतलब हुआ कि हम डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी जो भी है हम अब ऐसे खड़े होंगे, याद रखिएगा ये हमारा खड़े होने का तरीका होगा, ये ईस्ट की तरफ हम फेस करके खड़े हुए हैं, राइट। तो ईस्ट की तरफ अगर हम फेस करके करें तो आप क्या क्या बोला वो देख लीजिए। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, ठीक है। पवन जो है, अब आप ऐसे खड़े हुए ऐसे सोचिएगा, तो पवन क्या है यहां पर, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो होगा नीचे वाला, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, ठीक है। मान लीजिए ये तपन है, तो पवन इसके किस पर है, लेफ्ट पर है, तो ये पवन हो गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद बोला है पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, बिपिन, ठीक है, बिपिन चवन एंड तपन इज, बिपिन क्या क्या बोला सुनिएगा, बिपिन चवन एंड तपन, बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नुकुल, बिपिन एंड नेक्स्ट ऑफ नुकुल, मत नुकुल हो गया, तो ये हो गया नुकुल मान लो, और इसमें क्या क्या बोला है, बिपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नुकुल, ठीक है। अभी देखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, इसके बाद बोला है इफ बिपिन इज टू द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बिपिन जो है वो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अभी फोर्थ ही है, ओके, बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट देन हाउ इज फॉर द तपन फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो हमारे ये बिल्कुल सही बने, तो पहले आ गया पी, फिर टी, फिर सी, फिर वी और फिर एन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है वो सुन लीजिए, तो आपसे क्वेश्चन में बोला है इफ बिपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट देन हाउ फॉर इज द तपन फ्रॉम द राइट, राइट से तपन कितनी दूर पर है, तो राइट से तपन 1-4 फोर्थ पोजिशन पे है, राइट से तपन फोर्थ पोजिशन पे। क्वेश्चन को रीड करिए, डायग्राम बनाइए, अपने आप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, राइट, क्वेश्चन नंबर 10th में बोला है सिक्स पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड आर आर सिटिंग इन टू रो, ठीक है। अब टू रो की बात कर रहे हैं, सिक्स पर्सन है, टू रो में अरेंज हो रहे हैं, ओके, थ्री बैठेंगे, मतलब 1-2-3 अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम अरेंज करेंगे।
6 person M, N, O, P, Q and R are sitting in a 2 row with 3 person in each row. Both the row are in the front of each other. यानी दोनों row में दोनों एक दूसरे की तरफ face करे हुए, हमेशा ही होता है कि जब हम बैठते हैं तो हम ऐसे बैठेंगे और हमारे सामने ही person बैठेंगे. तो ये बोला गया है both the row are in front of each other. Q is not at end of any row. Q जो है वो किसी की रो में एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ नहीं बैठेगा. या तो क्यू यहाँ होगा या क्यू यहाँ होगा. अभी हमने ऐसी टेम्पररी छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हो जाएगा. क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, राइट. पी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर. पी जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ आर है, मतलब ये आर है मान लो तो आर के सेकंड लेफ्ट पर है. P is second left of R. ये हो गया. P is the second to the left of R. O is the neighbor of Q. O is the neighbor of Q. O is the neighbor of Q and diagonally opposite to P. तो ये decide हो गया. O, ये Q, ये diagonally opposite भी हो गए. ठीक है. N is the neighbor of R. N जो है वो R का neighbor है. तो बचा M, वो M यहाँ आ गया. ये पूरे arrangement हो गए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इजीली अरेंजमेंट कर लिए. अब क्या क्या बोला देखते हैं. इसमें इसके बाद बोला है हु इज द फ्रंट ऑफ एन. एन के फ्रंट में कौन है, तो एन के फ्रंट में क्यू है. अभी के क्वेश्चन का आंसर ये, हु इज फ्रंट ऑफ आर, ओ. हु इज फ्रंट ऑफ पी, एम. हु इज अपोजिट डायगनली अपोजिट एम, आर. इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, 2, 3 भी और सिंगल भी, राइट. क्वेश्चन को बस समझिए, पढ़िए और धीरे धीरे आप इस पर लेवल बढ़ाते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन बनते जाएंगे. नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11th क्या क्वेश्चन है, सुनिए. क्वेश्चन नंबर 11th में बोला 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ 2 रो. सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे 3, 3, 4, 4 क्वेश्चन रखे हुए हैं. 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ 2 रो, 3 इन ईच रो. ई इज नॉट एट एनी एट एन ऑफ एनी रो. ई किसी भी एंड में नहीं है. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ई किसी भी रो में नहीं है, इसका मतलब एंड में नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है. इन दो में होगा, या तो यहाँ पर या यहाँ पर. अब क्या होगा वो देखते हैं. डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ अगर मान लो यहाँ है तो इसका सेकेंड लेफ्ट ये हो गया. तो डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, करने का वही अप्रोच होगा. सी इज द नेबर ऑफ ई. सी अगर नेबर ऑफ ई है एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी, तो इसका मतलब सी यहाँ पर आ गया. सी यहाँ है तो ऑब्वियसली ई यहाँ हो गया. एक और पोजिशन कन्फर्म हो गई हमें. सी इज द नेबर ऑफ ई एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी. बी इज द नेबर ऑफ एफ. बी जो है वो एफ का नेबर है, तो ये बचा कौन सा, ए. ये सभी अरेंज हो गए. अब जो भी क्वेश्चन में बोला जाए, कई बार इससे 3, 4 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, कई बार सिंगल भी क्वेश्चन होता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. अब देखिए इसमें क्या बोला गया वो सुन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द 2 रो. कौन सी 2 रो हैं, तो जैसे एक रो ये है और एक रो ये है, ए ई सी. तो अभी ये वाला आंसर करेक्ट है, बाकी रो का ये तरीका है. आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं अपोजिट ऑफ एफ, तो आप बोलते सी. अपोजिट ऑफ बी, तो आप बोलते ई. लाइक दिस, क्लियर है बात. नोट कर लो क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्या क्वेश्चन है, सुनिएगा. रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. 5 बॉयज A1, A2, 5 बॉयज हैं. अब ऐसे नाम दे दिए, A1, A2, A3, A4, A5. कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ए बी सी डी भी ले सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5 भी ले सकते थे. 5 बॉयज A1, A2, A3, A4, A5 आर सिटिंग ऑन अ स्टेयर इन द फॉलोइंग वेज. स्टेयर मतलब स्टेप वाइज है ऐसे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इस तरह से स्टेप पर है, ऐसा समझ लो. लाइक दिस, ऐसे स्टेप पर हैं, 1, 2, 3, 4. ये 1, 2, 3, 4, 5, राइट. अब क्या बोला है क्वेश्चन में वो आप देख लीजिए. जो जो बोला है उसकी आप डायग्राम बनाइए तो आपसे अपने आप होने लगेगा. अब बोला गया है A5 इज अबव A1. A5 जो है वो A1 के ऊपर है, वो बाद में वहाँ लिखूंगा, पहले यहाँ पे एक रफ लिख लेता हूँ. A5 इज अबव A1. A4 इज अंडर A2. A4 इज अंडर A2, मतलब
A4 जो है वो A2 के अंडर में मतलब नीचे हो गया, ऐसा लिख लेते हैं अभी, जरूरी नहीं कि ये ठीक इसके नीचे हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 बोला गया है A2 इज अंडर A1, तो ये भी क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक बनाया, बाई चांस बना पर ठीक बनाया। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, ये 5 के 5 अरेंज हो गए, राइट। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं, यानी A5 यहाँ है, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, A4 यहाँ है और A3 यहाँ है, ये अरेंजमेंट होगा। अब बोला है हु इज द लोएस्ट पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन कौन सा हो गया A3। हु इज द मिडिल पोजिशन, पूछा नहीं पूछ बता रहा हूँ A2। हु इज द लास्ट सेकेंड पोजिशन A4। टॉप पोजिशन A5, सेकेंड पोजिशन टॉप 2 A1। इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन मिल सकते थे, राइट। तो 12th का करेक्ट आंसर हुआ A3, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या, सुनिए, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, 5 चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो नेक्स्ट टू पी है, यानी पी के बाद है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब नॉट टी बोला है, तो टी यहां ले लेते हैं, अभी देखते हैं कहां पे हो सकता है, ये मैंने एक रफ लिया है, नॉट टी, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, ये हो गया, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज द सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड टी, तो टी एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट, ओके, अच्छा ये आर के लिए बोला गया, आर, ठीक है ठीक है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ओके, एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है वो के पास नहीं है, तो ये तो फिक्स था, तो इसका मतलब टी इस एंड पे ही होगा। हु इज आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस, बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही बनेगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे पूछा है कि एस के पास कौन है, तो एस के पास कौन कौन है, पी एंड टी, पी एंड टी इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्वेश्चन है 14, देखिएगा, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 5 सीनियर हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिव कर रहे हैं, मिस्टर मोहन लिव्स इन द फ्लैट अबव, मिस्टर अशोकन, मिस्टर लोकेश लिव इन द फ्लैट बिलो, मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव, ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स हैं ऐसा मान लीजिए, तो हम उनके नाम के इनिशियल ले लेंगे, तो 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, यानी अशोकन के ऊपर मोहन है, ठीक है, मिस्टर लोकेश लिव्स इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ठीक है, तो इसका मतलब है मिस्टर लोकेश जो है वो गौरव के नीचे रहते हैं, तो गौरव के नीचे लोकेश, ये मैंने लफ लिया, अब इसका कोई मतलब नहीं है, मिस्टर लोकेश लिव इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव इन द मिस्टर अशोकन लिव इन अ फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, तो ये भी बिल्कुल फिक्स हो गया, मतलब हमने जो बनाया था वो बाई चांस सही है, आप ठीक है। इसके बाद बोला है मिस्टर राकेश लिव इन द फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, तो मिस्टर राकेश जो होगा वो सबसे नीचे हो गए, 5 के 5 अरेंज हो गए, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट, तो टॉप मोस्ट फ्लैट पे कौन है, तो मिस्टर मोहन, क्लियर है बात, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर की गैदरिंग है, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर आर सिटिंग इन अ रो, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी जो है वो बी के लेफ्ट पर है, ओके, सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट राइट ऑन डी, 3 लोगों का पता चल गया, ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, तो बी के राइट पर ए हो गया, ओके, ए इज सिटिंग राइट ऑफ राइट टू बी, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, ओके, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई,
ये हो गया एच। तो अब आपसे पूछा है फाइंड द पर्सन इन द मिडिल पोजिशन, तो मिडिल पोजिशन में कौन सा पर्सन हुआ, डी। तो डी इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।